अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हफीज़ अहमद ख़ान हियर। और आज मैं आपको जो एक्सेल की शीट बनाना सिखाऊंगा वो उसका नाम है एज कैलकुलेशन शीट। ये शीट एक बहुत ही ज़बरदस्त शीट है जो किसी भी कभी भी डेट को आपने अगर चेक करना हो कि इस डेट से लेकर अब तक कितने डेज़ हो चुके हैं, कितने मंथ्स हो चुके हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और अपना डेट ऑफ बर्थ अगर चेक करना हो कि आप किस दिन पैदा हुए थे, आपको दुनिया में आए कितने दिन हो चुके हैं, तो ये टोटल डेज़ भी आपको बताएगा और आप किस दिन पैदा हुए थे ये भी बताएगा, और आपको आए हुए कितने दिन हो चुके हैं, कितने महीने हो चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं, ये सब कुछ आपको बताएगा। तो ये शीट जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त शीट है, इसको आप समझ लें कि ये एक मैजिक शीट है कि आप इधर जस्ट आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में अपनी डेट पुट करेंगे, और जो भी आपकी डेट है सबसे पहले आप मंथ पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जून की डेट पुट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 जून, और 1999 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा कि टोटल ईयर्स कितने हो गए, 21 ईयर्स 3 मंथ्स और 28 डेज, और बर्थ डे है थर्सडे, और टोटल डेज़ हो गए 7678। तो इस तरह से ये एज कैलकुलेट करके पूरी आपको टोटल बता देता है। अच्छा, इसको दोबारा से चेक करते हैं एक बार। अब मैं कर देता हूँ 2000, ईयर चेंज कर रहा हूँ, 2000 कर रहा हूँ, ठीक है, 6 जून 2000, ठीक है, इंटर करते हैं। अब ये देखें 6 जून 2000 से अभी आज की डेट तक किसने काउंट करा है, और ये 20 ईयर्स 3 मंथ्स और 28 डेज, बर्थडे आ रहा है सैटरडे, ठीक है, टोटल डेज 7318। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो बाकी की जो कैलकुलेशन है वो खुद से ये करके बता देगा। तो ये इस शीट की वर्किंग है। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी डेट डालनी है, मतलब कि कोई स्पेशल डेट आपको अगर डालनी है, जैसे कि आपका आपका घर किस दिन बना था, आपने वो डेट डालनी है कि उस दिन से लेकर अब तक कितने कितने ईयर्स और कितने मंथ्स हो गए, किस दिन को बना था, वो दिन का नाम पता करना है, तो आप यहाँ पे डेट पुट करेंगे और आपको सब पता चल जाएगा। तो ये बेहतरीन शीट है, ठीक है। तो अब ये बनती किस तरह से है, ये है सवाल। तो आप लोग भी चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द ट्राई करें, तो मैं आप लोग को सिखाऊँगा ज़रूर, इस पूरी वीडियो में आपको सिखाऊँगा कि एक शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो लेट्स सी ये किस तरह से हमें करना है। सबसे पहले तो जो एक्सेल यूज़र हैं उनको पता होगा कि ये इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैंने किस तरह से की है, मतलब ये टेक्स्ट साइज बड़ा करना, सेल्स को मर्ज करना, और ये हेडिंग्स वगैरह डालना, कॉलम्स वगैरह ऐड करना आते होंगे, ठीक है। मैं जस्ट बात करूँगा फार्मूलाज की, जो फार्मूलाज मैंने इसमें ऐड किए हैं मैं सिर्फ वो सिखाऊँगा, क्योंकि फार्मूलाज से ही पूरा वर्किंग होती है, ठीक है। बाकी ये टाइपिंग और फॉर्मेटिंग तो कोई भी कर सकता है, फार्मूलाज मेन चीज़ होती है। तो मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगा कैसे कौन कौन से फार्मूलाज इसमें ऐड होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डमी दिखाता हूँ कि किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। इधर मैं कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया कॉलम आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ऐड करेंगे डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट का आप पता करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी डेट ले लेता हूँ। अब जो भी डेट आप लेंगे सबसे पहले उसका मंथ ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगस्त की बात करूँ तो मंथ आ गया 8, और डेट आप कोई भी ले लें, 25 डेट ले ली, और ईयर ले रहे हैं जो भी, जिस ईयर का आपको पता करना है, मैं 2002 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डेट सेलेक्ट कर ली। अब मैं इस पर ज़रा साइज़ वगैरह इनक्रीज़ कर दूँ ताकि आपको सही से आसानी हो देखने में। तो मैं इसका साइज़ कर देता हूँ, ठीक है, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आपने डेट सेलेक्ट, डेट आपने टाइप कर ली अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड कॉलम में करंट डेट डालेंगे, ठीक है। करंट डेट ये ऑटोमेटिक उठाएगा आपके सिस्टम के मुताबिक, जो भी डेट होगी उसका फॉर्मूला होता है, ये देखें फॉर्मूला लगाने के क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे टूडे, या गया टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और इंटर, ठीक है। ये आ गई आपके पास आज की करंट डेट, करंट डेट ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है। आपके पास ये दो सेल्स जो हैं वो फिल हो गए। अब आपने
ईयर्स पता करने हैं कि टोटल ईयर्स कितना बन रहा है, इस डेट से लेकर इस डेट तक का टोटल ईयर्स कितने बन रहे हैं। तो उसको काउंट करने के लिए आपके पास फार्मूला लगेगा डेट डिफ, ठीक है, डेटेड इफ का फार्मूला लगेगा। आप देखें किस तरह लगेगा, इक्वल टू डी ए टी ई डेट डिफ डी आई एफ, ठीक है, डेट डिफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे ये कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, करंट डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख देंगे वाई लिख देंगे और ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद आप इंटर कर देंगे। जैसे ही आपने इंटर किया तो आपके पास टोटल ईयर्स लिखे हुए आ गए 18 ईयर्स, जैसे कि यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे लगाया मैंने, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ इस डेट से लेकर इस डेट तक के ईयर्स टोटल पता चल गया। अब आपने मंथ्स मालूम करने हैं, तो मंथ्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह आप फार्मूला लगाएंगे डेट डिफ का, डी ए टी ई डेट और डिफ, मतलब कि आप डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास नाम लिखेंगे वाई एम, मतलब कि एयर मंथ, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये आ गया आपके पास मंथ, आपके पास आ गया, इसका मतलब कि आप इस डेट से लेकर इस डेट तक हो गया 18 मंथ्स और 18 ईयर्स एंड 1 मंथ, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से हो गया। अब आपने पता करना है डेज़, अब आपने डेज़ किस तरह से पता करने हैं, डेज़ का तरीका भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें। आप यहाँ पे आप करेंगे डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, अब वही सेल सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, अब आपने मालूम करने हैं डेज़, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे एम डी मंथ्स डेट, ठीक है, डेज़ और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटर, ये आपके पास आ गए डेज़ टोटल। टोटल आपने निकाल लिए 18 ईयर्स 1 मंथ एंड 13 डेज़ टोटल आ गया। अब आपने पता करने हैं कि वो दिन कौन सा था जिस दिन आप पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो दिन पता करने के लिए आपने क्या करना है, सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होगा, इक्वल टू टैक्स का फार्मूला लगेगा, इस बार टैक्स का फार्मूला लग गया, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में आपने 4 टाइम्स डी 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 लिखना है और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एंटर। ये देखें ये दिन आपके पास आ गया, ये दिन आपके पास आ गया, ये दिन आपके पास आ गया कि ना संडे, संडे का दिन है, ठीक है, जिस दिन आप पैदा हुए थे। अब ये देखें, ठीक है, आपने ईयर्स भी निकाल लिए और मंथ्स भी निकाल लिए और डेज भी निकाल लिए टोटल, और दिन भी पता कर लिया कि किस दिन आप पैदा हुए थे, ठीक है। अब बारी आती है कि टोटल डेज़ आपको इस दुनिया में कितने दिन हो गए टोटल, ये आपने पता करना है, तो इसका क्या तरीका है ये आप देख लें। ये देखें इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा डेज़ का, ठीक है, इक्वल टू डेज़ 360, ठीक है, ये फार्मूला है डेज 360 ब्रैकेट ओपन, और आपने अब क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है करंट डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा और टोटल मंथ्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आपके पास आ गया टोटल मंथ्स, ठीक है, ये देखें, तो ये पूरी इस तरह से ये फार्मूलाज आप ऐड करेंगे और
ये आपको ख़ुद कैलकुलेट करके बताएगा। अब यहाँ पे मैं डेट चेंज करता हूँ, देखते हैं कि ये हमने सही फार्मूलाज लगाए या नहीं, चेंज होता है या नहीं होता। ठीक है, अब ये 2002 की जगह मैं कर रहा हूँ उसको 2010, ठीक है, और इंटर कर रहा हूँ। ये देखें आपका ये चेंज हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। टोटल 10 ईयर्स बता रहा है, 10 ईयर्स 1 मंथ, ठीक है, और 13 डेज वेडनेसडे का दिन और टोटल डेज बता रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही वर्क कर रहा है हमारे फार्मूलाज, या जब आपको ख़ुद पता चलेगा जब आप ख़ुद से ऐड करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें ऐड करेंगे और फिर आप चेक करेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, बहुत सारी शीट्स हैं मेरे पास आपको सिखाने के लिए। ये देखिए मैंने बहुत सारी शीट्स बना के रखी हुई हैं फार्मूलाज के साथ, सैलरी शीट है, मार्क्स शीट है, सेल्स शीट है, टीचर स्टेटस रिपोर्ट है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर है, बैंक स्टेटमेंट है, सेल्स एनालिस्ट है, ठीक है, सेल्स एनालिस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, बहुत सारी शीट्स हैं मेरे पास आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी शीट सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।